क्या आपने कभी सोचा है कि रतन टाटा सर के बाद टाटा ग्रुप को कौन लीड करेगा? रतन टाटा सर आज इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर्स में से एक है, लेकिन इनके बाद टाटा ग्रुप को कौन चला सकता है? आइए जानते हैं। पिछले 150 सालों में टाटा ग्रुप ने इंडियंस के लिए बहुत कुछ किया है। 2012 में रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ली। बाद में साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद कुछ इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से साइरस को स्टेप डाउन करना पड़ा। और फिर 2016 से लेकर आज तक एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप की चेयरमैन पोजीशन संभाल रहे हैं। रतन टाटा और शंतनु नायडू दोनों का भी नेचर बहुत हेल्पफुल और बिजनेस माइंडेड है, और इसीलिए दोनों में मेंटर और फॉलोअर का नहीं बल्कि फ्रेंडशिप का रिलेशन है, और लाइक माइंडेड होने की वजह से दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है। शंतनु जैसा यंग एंटरप्रेन्योर टाटा ग्रुप को और आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि रतन टाटा सर की लेगेसी के लिए कौन सही है, शंतनु की तरह एक यंग एंटरप्रेन्योर या फिर एन चंद्रशेखरन की तरह एक एक्सपीरियंस पर्सन? कमेंट्स में जरूर बताओ, और ऐसी बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो।